इस लग्जरी वैन को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये किसी अरबपति या शाहरुख या सलमान जैसे सुपरस्टार की वैनिटी वैन होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये देश का पहला चलता फिरता ज्वेलरी स्टोर है। इस स्टोर को मशहूर कस्टम डिजाइनर डीसी यानी के दिलीप छाबड़िया ने तैयार किया है। इस लग्जरी मोबाइल ज्वेलरी स्टोर को बनाने का ऑर्डर केरल बेस्ड चेमनूर ग्रुप ने दिया था, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस इनोवेटिव बस को बनाने का आइडिया लीजेंडरी फुटबॉलर डियागो मैराडोना का था। दरअसल मैराडोना चेमनूर ग्रुप के बिजनेस पार्टनर हैं, और अब ये शानदार पीले रंग की लग्जरी बस भारत का पहला चलता फिरता ज्वेलरी स्टोर है। पीला रंग इसलिए कि दूर से ही इसके आने का पता चल जाता है, और लोग भी इस अनोखे ज्वेलरी स्टोर में आकर जमकर सोना चांदी और हीरो की खरीदारी करते हैं। इस लग्जरी वैन को बनाने में करीब 5 करोड़ का खर्च आया है। 12,700 सीसी के दमदार इंजन वाली ये बस 410 bhp की पावर जनरेट करती है। इसमें ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है, और इस बस में 14 स्पीड गियरबॉक्स लगाया गया है। तो अगर आप भी केरल में घूम रहे हैं तो इस लग्जरी ज्वेलरी स्टोर का एक्सपीरियंस जरूर लेना।